तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले फ्री फायर मैक्स के हेडशॉट ट्रिक के बारे में कि आप किस तरीके से परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ इजीली वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, उसके लिए आपको कौन से टिप्स या फिर स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट एंड ईजीएस्ट हेडशॉट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को अप्लाई करके आप बैक टू बैक हेडशॉट मार सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं, जिस सेटिंग्स की वजह से आप फ्री फायर मैक्स को प्रॉपर वे से खेल पाओगे। तो जब भी आप फ्री फायर मैक्स को लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको सेटिंग में जाके अपने जो कंट्रोल की सेटिंग है उसको सबसे पहले डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आपको नीचे FF मैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको नीचे एनिमेशन और ऑडियो स्टार्ट की सेटिंग दिखाई देगी, तो इन दोनों सेटिंग को आपको क्लासिक पे सेट करके खेलना है, जिसकी मदद से आप फ्री फायर मैक्स को एज इट इज फ्री फायर जैसे खेल पाओगे। तो देन उसके बाद आप किस तरीके से परफेक्ट वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, तो उसके बारे में भी फिलहाल हम जान लेते हैं। तो हमारे जो पहली टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है एमिंग प्रोसेस। तो फ्री फायर में बेसिकली हम ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रैग हेडशॉट के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फायर करोगे तो फायर करते समय आपको ऑलवेज अपने जो फायर बटन है उसको ऊपर की साइड जोर से ड्रैग करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपको हमेशा अपना जो एम है वो ऑलवेज एनिमी के चेस्ट के लेवल के ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज आपको तब मिलेगा जब भी कोई एनिमी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज में होगा, तो उस टाइम आपका एम एनिमी के चेस्ट लेवल पर होने के कारण जब आप फायर करोगे तो फायर करने के बाद आपकी सारे की सारे बुलेट एनिमी के हेड के ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। तो जिसका एग्जांपल आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मस्त प्लान है। और वही वन टैप हेडशॉट की बात की जाए तो अगर कोई एनिमी आपके स्पेसिफिक रेंज में होगा तो उस वक्त आपको अपना जो एम है वो एनिमी के बहुत ज़्यादा नज़दीक रखना पड़ेगा, या फिर अगर बाई चांस कोई एनिमी आपके बहुत ज़्यादा क्लोजर में है तो वहाँ पर आपको अपने एम को ऑलवेज व्हाइट कलर का रखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आपको अपने फायर की बटन को एनिमी के पोजिशन के अनुसार लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड ड्रैग करना पड़ेगा, जिससे आप प्रॉपरली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है एक्यूरेसी एंड रेंज फैक्टर। तो अगर आप इसे प्रॉपरली समझ पाते हो तो उसके बाद आप 10 से कम 6 या फिर 7 हेडशॉट मार पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो देन वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे और टिप्स के रिलेटेड वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सको। तो यहाँ पर हम बेसिकली शॉर्ट रेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एज कम्पेयर टू लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी भी एनिमी को किल करने के लिए जाओगे तो आपको ऑलवेज मूवमेंट के साथ उस एनिमी के साथ फाइट करना है, और इसका एक और एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आगे वाले एनिमी आपको इजीली नहीं मार पाएगा। और उसी के साथ साथ जब आप किसी भी शॉर्टेज वाले एनिमी को मारने के लिए जाओगे तो उस टाइम आपको ऑलवेज रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना है, और उसी के साथ साथ जब आप किसी भी शॉर्ट गन का इस्तेमाल करोगे तो आपको ऑलवेज उस गन का इस्तेमाल केवल 25 मीटर रेंज तक ही करना है। और बाय चांस अगर आप शॉर्ट गन का इस्तेमाल 25 मीटर से ज़्यादा रेंज तक करोगे तो आपका हेडशॉट लगने के बावजूद आगे वाला एनिमी नॉक नहीं होगा, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है सेंसिटिविटी सेटिंग। तो अगर आप अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को प्रॉपरली सेट कर लेते हो तो आपको हेडशॉट मारने में थोड़ी सी आसानी होती है, इसीलिए आपको हर एक अपडेट के बाद अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग में चेंज करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में डिटेल्स में जानना है तो देन लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, या फिर अगर आपको बेटर हेडशॉट के लिए अपने एम को इम्प्रूव करना है तो देन राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।